हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज का दिन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आज मैं जा रहा हूँ निकॉन के Z8 लॉन्चिंग इवेंट में, जो कि रनिसा होटल लखनऊ में है। सो आज है 16 जून। सो बहुत ही अच्छा दिन होने वाला है। ये कोई प्रोडक्ट रिलेटेड वीडियो नहीं है, ना किसी रिव्यू रिलेटेड है, ये एक सिंपल लॉन्चिंग वीडियो। तो मैंने सोचा कि इसका एक ब्लॉग बना दूँ आप लोग के लिए, तो जुड़े रहिए मेरे साथ। सेटअप रेडी है थिएटर का, और सामने आप देख पाएंगे, अगर आप एकदम सामने जाता, सामने जो है डेमो पे लगी है बॉडी, ये आपको ले चलते हुए। सो ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे सारे फोटोग्राफर फंसाए हुए हैं, और ये बॉडी आपको Z8 की दिखाते हुए डेमो पे लगी हुई है। ये ना, तो ये Z8 है, और प्लस 35 में 1.2S पे लगा हुआ है। ये लाइव डेमो देख सकते हैं बॉडी का। आप देख सकते हैं कि ये Z8 और एक और Z8 और ये तीसरा Z8। सो बहुत ही अच्छा इवेंट चल रहा है, देखिए। और सर भाई, क्या हाल? बहुत बढ़िया बढ़िया। कैमरा यूज किया, कैसा लगा? अरे मज़ा आ गया, जबरदस्त, एकदम अच्छा। सो दोस्तों, ऐसे जुड़े रहिए, मैं आपको और आगे अपडेट्स देता हूँ। मतलब बॉडी बहुत ही ज़बरदस्त है, आप देख सकते हो। इन हैंड मेरे पास अभी 85 1.2 है इसमें, और Z8 की बॉडी है, अच्छा खासा ग्रिपिंग है, देख सकते हो। एक हाथ से मैं पकड़ा हुआ, ग्रिपिंग काफ़ी अच्छी है इसकी। सर हमारे साथ है निकॉन से, तो धर्मेंद्र कैसा है? बस कैसा रही है? टाइम इवेंट भी बहुत अच्छा गया, और हमने जितना उम्मीद किया था उससे कहीं ज़्यादा बेटर। तो क्या कौन कौन से कहाँ किस सिटी से इन्फ्लुएंसर आए थे? तो यहाँ पे बेसिकली आए थे आपके अहमदाबाद से, प्लस दुबई से, और आपके जयपुर से। तो मतलब हर जो फोटोग्राफी की जितनी भी अलग अलग हमारी स्ट्रीम्स होती सबसे आए थे, जैसे फैशन से आए थे, वेडिंग से आए थे, और बेबी शूट से अलग आए थे, वाइल्ड लाइफ से अलग आए थे, है ना। तो काफ़ी कुछ कंटेंट देखने का दोस्तों हमें मिला। हम लोग मैं आपको पूरे वीडियो में शेयर करूँगा आगे कि कंटेंट कैसा निकला हमारा। अपनी प्रोडक्ट पोर्टफोलियो को बढ़ाया है और लगातार कस्टमर एक्सपीरियंस की बेहतरी के लिए काम कर रही है। माइक्रोस्कोप और उससे जुड़ी एक्सेसरीज की निकॉन बायोलॉजिकल रेंज के लिए सेल्स, सर्विस और पेशेंट ड्रिवन अप्रोच से ना केवल कंपनी को सक्सेस मिली है, बल्कि मार्केट इनोवेशन, सेल्स मार्केटिंग, प्रोडक्ट डेवलपमेंट और आफ्टर सेल्स सपोर्ट जैसे सेगमेंट में भी उनका योगदान देखने को मिलता है। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, जोरदार तालियों से स्वागत करें मिस्टर सज्जन कुमार। चाहे वो कनेक्टिविटी के हों या कैमरा स्पेसिफिकेशंस के हों, अधिक हर बॉडी के साथ में आपने ये इम्प्रूवमेंट देखा होगा। दूसरा है कि फ्लेंच डिस्टेंस, वो हमारा मिनिमम है, उसका एक ये हमारे प्रोफेशनल्स पहले अगर कोई ब्राइट लाइट शोज है, मेनली हम वेडिंग में काफी देखते हैं, और अगर वो
आउटडोर है या प्री वेडिंग शूट्स में, बैक एंड में अगर ब्राइट लाइट सोर्स है और सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट बहुत शार्प नहीं आ पाता है. बट नाउ विद हाई डायनेमिक रेंज एंड बिल्ट इन लाइक आवर सेट सेंसर इज हैविंग द एआई कंट्रोल्ड ऑटो फोकस सिस्टम कि हर इमेज शार्प आए. एल्गोरिथम कैमरे का या प्रोग्राम ऐसे है कि इट कैन आइडेंटिफाई ये इमेज कैसी है एंड इवन इन पोस्ट. और हमारे जो क्रिएटर्स हैं वो फोकस कर सकते हैं कि कंपोजिशन का. तो रेस्ट ऑफ द थिंग्स आई थिंक दैट का बिल्ट इन है. 20 fps रॉ शूट कर सकते हैं और जेपेग में तो 120 fps. आई थिंक डिफरेंट चीज या बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो यहाँ पर है दैट इज सीमलेस शूटिंग विद 1000+ इमेजेस एज ए बफर. तो जब आप कंटिन्यू शूटिंग करते हैं किसी भी एनवायरनमेंट में चाहे वो वाइल्ड लाइफ हो और बाकी रियल टाइम सिचुएशन में या अपने वेडिंग में भी बहुत बार जरूरत पड़ती है दैट इज हाउ मच बफर इट इज ऑफरिंग वेयर. हमारे पास है Z850mm 1.2S के साथ. सो देख सकते हैं ये हैंड ऑन एक्सपीरियंस आपको दे रहा हूँ मैं 50mm का. और ये देख सकते हैं पूरा लेंस बहुत ही खूबसूरत लेंस है ये. और इसके रिजल्ट्स आपको मैं अब इसके बाद में आपको शेयर करूँगा. अभी हमारे पास है निकॉन का Z8 और इसमें लगा है हमारा 50mm 1.2S. तो आप बिल्ड क्वालिटी देख सकते हो लेंस की कितना मतलब काफ़ी ह्यूज लेंस है ये. और इस पर यहाँ पर ये रिंग देख रहे होगे यहाँ पे ये आपको रिंग दिख रही है. इस रिंग को आप कुछ भी असाइन कर सकते हैं लाइक ISO असाइन कर सकते हैं या डायरेक्ट अपर्चर यहाँ से चेंज कर सकते हैं या और भी जो आपके बेसिक फीचर्स होते हैं उसको डायरेक्ट यहाँ से असाइन कर सकते हैं. और दूसरी चीज़ जो है इसमें छोटा सा देखिए डिस्प्ले भी दिया है. डिस्प्ले मैंने ऑन किया उस पर भी आपको दिखता है. और इसका जो बेसिक अपर्चर है वो है 1.2. सो अब ये समझ सकते हैं कि ये बॉडी इतनी बीस्ट है उसके साथ ये 20 लेंस लग गया तो रिजल्ट क्या होंगे. तो मैं नेक्स्ट आपको आगे इसके रिजल्ट भी दिखाऊँगा कि क्या रिजल्ट देता है कैमरा. और थोड़ी सी स्पेस बता देता हूँ आपको 45.7 मेगा पिक्सल इसमें क्या है और आपका लो लाइट परफॉर्मेंस अच्छी है, प्रोग्रेस है इसके अंदर और एनलॉग है, बहुत सारे फीचर हैं और फोकस ट्रैकिंग भी बहुत अच्छी है. तो जुड़े रहिए मेरे साथ मैं आपको रिजल्ट दिखाता हूँ. थैंक यू. इवेंट कंप्लीट हो गया फिलहाल. सो मैंने कुछ वहाँ पे कैमरा टेस्ट भी किया था लाइव और कुछ फ़ोटोज़ भी खींची थी. बट सिनेरियो थोड़ा चेंज था वहाँ पे. मॉडल्स थीम की फ़ोटोज़ हुई थी और मैं निकॉन के कई ऑफिशियल से भी मिला वहाँ पे और जो निकॉन के MD हैं उनसे भी मिला, साजन सर से और समीर सर से भी मिला. तो बहुत ही अच्छे लोग हैं, बहुत ही अच्छे से उन्होंने ग्रीट किया और काफ़ी हर मतलब फील्ड में फोटोग्राफी के फील्ड में लोग आए थे उसमें. फॉर एग्ज़ाम्पल ऋचा महेश्वरी थी जो कि एक फैशन फोटोग्राफर है और वाइल्ड लाइफ के थे और वेडिंग से भी थे. आई डोंट से चीज़ का आपने नाम सुना होगा, उनके गौरव गुप्ता थे और एक स्पेक्ट्रम फोटोग्राफर थे गुजरात से भाई, वो भी आए थे. सो ये अच्छा रहा इवेंट. सो बाकी मैं आपको अपडेट करता हूँ आगे. थैंक यू सो मच मेरा ये वीडियो देखने के लिए. और इसी तरह अगर आप और ऐसे फोटोग्राफी से रिलेटेड या वेडिंग के BTS से रिलेटेड अगर ब्लॉग देखना चाहते हैं तो मैं कोशिश कर रहा हूँ, डिस्कशन मेरा चल रहा है कि Z8 के साथ पूरी एक वेडिंग शूट करें हम और उसका पूरा ब्लॉग बना के BTS के साथ आपका एक पूरा वीडियो क्रिएट करके आप लोग के लिए ऐसे अपलोड कर लें. तो चाह रहे हैं आप लोग कि ऐसा वीडियो हो तो प्लीज़ मुझे बताइएगा कॉमेंट्स में. तो थैंक यू सो मच.